हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं एक ऐसी मील के अंदर जहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये कॉटन है, कपड़ा है। ये कपड़े को गला करके और पेपर बनाया जाता है, हैंडमेड पेपर। उस पेपर को जो है आप किसी भी मल्टीपर्पज काम में ले सकते हो, क्राफ्ट में ले सकते हो, पेंटिंग में ले सकते हो और राइटिंग में ले सकते हो, और सीधा जाता है फॉरेन एक्सपोर्ट होके। तो बहुत ही बढ़िया है और एक प्रोसेस मैं पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये कपड़ा है, इसकी किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। कपड़ा है बिल्कुल देखने को मिल रहा है, इसकी चॉपिंग होती है, इस तरह का कपड़ा है। पूरा फैक्ट्री वेस्टेज है, पूरा वेस्टेज है, ये कॉटन वेस्टेज है बिल्कुल देखने को मिल रहा है आपको। और कुछ अपनी जो टी शर्ट्स होती है होजरी वगैरह की, ये देखिए इस तरह की टी शर्ट के कपड़े हैं। ये वाले देखिए टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े ये आपको देखने को मिल रहा है। इनकी जो है चॉपिंग होती है, चॉपिंग के बाद में बीटिंग होती है, बीटिंग के बाद में जो है ये मोल्ड पे जाकर के और पेपर का फॉर्मेट ले लेता पूरा। तो ये सारी चीज मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी थोड़ी सी लाइट गई हुई है और हमारा टाइमिंग थोड़ा सा खराब है कि मैं आपको मशीन चालू नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से होता है ये। तो ये वाली मशीन है, पिछला वीडियो देखा होगा, सेम प्रोसेस है, वैसा ही है। यहाँ पर जो है इस तरह का कॉटन का जो कपड़े हैं ये वाले, ये इस तरह से इसमें डाल दिए जाते हैं और डालने के बाद में यहाँ पे देखिए ये मशीन के थ्रू जो है यहाँ पे चॉप हो जाता है कुछ इस तरह का, आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा देख लीजिए इस तरह का चॉप हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में एक कॉटन का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल देखिए इस तरह का कॉटन का रूप ले लेते हैं ये, इस तरह से देखिए, ये देखिए बिल्कुल चॉपिंग हो चुकी है। और यहाँ से जो है ये भर करके और यहाँ से वेट हो करके और वेट होने के बाद में ये जाते हैं वहाँ पर अपने टैंक के अंदर, और वहाँ पे होती है इसकी बिटिंग, फिर चॉपिंग के बाद में बिटिंग होती है वहाँ पर, और इसको गलाया जाता है अच्छे से, और फिर उसके बाद में जो है इसका पेपर का रूप ले लिया जाएगा। पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ में बने रहिए बिल्कुल। तो चॉपिंग का जो प्रोसेस है वो यहीं पर होता है। ये बैग्स भरे हुए हैं, सब में चॉपिंग मटेरियल है बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। ये अपना होजरी की टी शर्ट्स वगैरह होती है उसका मटेरियल है, यहाँ पर कॉटन का मटेरियल है, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का वेस्टेज है सारा। ये देखिए कपड़े ही हैं ये इन सबको चॉपिंग करके और कॉटन का रूप दे दिया जाता है। बिल्कुल मेरे हाथ भी गंदे हो गए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको इस तरह का। फैक्ट्री का रिव्यू करते हैं अच्छे से, आ जाइए आप मेरे साथ में। तो पेपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है किस तरह से पेपर जो है, यहाँ पर देखिए पेपर को जो है ड्राई करने के लिए लगा दिया गया है। एक के अंदर ही कितनी सीटें हैं आपको देखने को मिल रही है। ये इतनी अच्छी सीट पेपर वाला जो पेपर होता है अपना कागज वाला, वो उससे ज्यादा मजबूत है और उससे ज्यादा मल्टीपर्पज काम आता है ये। तो इसको मैं पूरा प्रोसेस बता लूंगा, देख ली किस तरह से यहां पर जो है सुखाई हो रही है सबकी, पूरा ड्राई हो रहा है यहां पर और पेपर रेडी हो रहा है ये आपको देखने को मिल रहा है। पेपर था जो व्हाइट वाले कॉटन से बना था, और वहीं पर मैंने जो आपको एक होजरी वाला पेपर होजरी वाला कपड़ा दिखाया था उसका जो है कुछ इस तरह का बनता है। देखिए ये कलर्ड आ गया है, और ये भी पेंटिंग वगैरह में मल्टीपर्पज काम ले सकते हो आप, क्राफ्ट के अंदर, पेंटिंग में, राइटिंग में, सारा फॉरेन एक्सपोर्ट होता है और बहुत ही मल्टीपर्पज काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस की ओर लेके चलता हूँ किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पेपर बन रहा है, हैंडमेड पेपर। तो हैंडमेड पेपर देखिए किस तरह से बन रहा है, उधर व्हाइट वाला पेपर बन रहा है, इधर वाला जो है वो कॉटन होजरी वाला पेपर बन रहा है। मतलब जिस कलर का कपड़ा होगा उस कलर का पेपर निकल जाता है, यहाँ पर कोई भी केमिकल या फिर कोई अदर चीज़ें यूज नहीं ली जाती है, बिल्कुल हैंडमेड है और हैंड से ही बन रहा है। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है देखने को मिल रहा है आपको, बिल्कुल एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर मटेरियल आ जाता है। तो पूरा प्रोसेस जानते हैं सबसे पहले तो कैसे होता है ये, और आपको मैं वापस से दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ से चॉपिंग होने के बाद में जो है वो भर करके और इसके अंदर डाल देगा, ये टैंक है इसके अंदर जो है गलाई होती है, इसको बीटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको गलाई कर बिल्कुल इस तरह से गला दिया गया है कि वाटर के अंदर जो है मिक्स हो जाएगा सारा, और वाटर के अंदर मिक्स होकर के एक अच्छा सा फॉर्मेट ले लेगा, एक अच्छा सा मटेरियल बन जाएगा, जैसे अपन डो लगाते हैं आटे का उस तरह से हो जाएगा ये सारा, गल जाएगा। इसका 3 से 4 घंटे का प्रोसेस रहता है बिल्कुल अच्छे से। और अभी लाइट गई हुई है आपको मैंने बताया, इसलिए चालू नहीं है। बाकी ये प्रोसेस देख लीजिए, इस तरह का टैंक बना हुआ है, एक टैंक इधर बना हुआ है, एक टैंक इधर बना हुआ है, दोनों टैंक आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी यही प्रोसेस चल रहा है। तो लाइट गई हुई है इसलिए इसे काम थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है हैंडमेड पेपर बनाते हुए दिख जाएंगे इसकी गलाई के बाद में। अब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद में जो है ये यहाँ से जो है ये इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी छटाई गलाई सब अच्छे से होने के बाद में इस तरह इसके अंदर आ जाता है। फाइनल जो है यहाँ पर आ चुकी है, बीटिंग होकर के यहाँ पे आ चुका है, और इस तरह का एक लुक दी जैसा बन गया पूरा व्हाइट का आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा वाला जो है आपको इधर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कलरफुल वाला जो कि अपने बनियान होजरी रहता है, इसमें से निकाल दिया गया है सारा सब कुछ, ठीक है, और ये यहाँ पर शिफ्ट कर लिया गया है इसके अंदर, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद में ये भैया देखिए किस तरह से पेपर बना रहे हैं, आप एक बार देखिए इनको, एक पेपर कपड़ा लेते हैं कॉटन का, वो इसको ऊपर बिछाते हैं इस तरह से, ठीक है, एक मोल्ड है, एक फॉर्मेट है जो पेपर बनाने का, इस तरह से इसको पलट देते हैं बिल्कुल, तो ये पेपर का रूप ले लेगा, पानी जब निकल जाएगा, देखो उसको डाला इसके अंदर, एक जाली है उसके ऊपर, ये इसमें से मग्गा भर के एक मटेरियल इसके अंदर डाला गया है। डालने के बाद में आप देखिए इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया जाएगा, कपड़ा इसलिए बिछाते हैं कि जो मटेरियल है वो फैले नहीं और एक पेपर का रूप ले ले, और ये पेपर उस पेपर से ज़्यादा मजबूत है और ये मल्टीपर्पज़ काम आता है, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, हैंडमेड है बिल्कुल, हाथ से बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। वहीं पर मैं आपको सफ़ेद वाला पेपर भी दिखा देता हूँ किस तरह से बन रहा है, यहाँ पर आइए, ठीक है, वाइट वाला पेपर देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है यहाँ पर। भैया देखिए
ये एक जाल है, एक एसएस का जाल है, एक बारीक बारीक छिद्र वाला जैसे अपने मच्छर जाली होती है उस टाइप से, उसके ऊपर एक मग्गा मटेरियल डालते हैं, उसके बाद में कपड़ा डालते हैं और उसके बाद में इसको पलट देते हैं। तो इस तरह से जो ये देखिए पेपर का फॉर्मेट ले लेगा ये धीरे धीरे, पूरा पानी निकल जाएगा यहाँ से, उसके बाद में मैंने जो प्रोसेस दिखाया था सुखाने का वहाँ पर चले जाता है। इस तरह से देखिए अलग अलग बने हुए हैं प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म वो बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म ये यहाँ पर बना हुआ है देखिए, ठीक है। और ये जो है दूसरा पेपर यहाँ पे बना रहे हैं भैया, देखिए किस तरह से बना रहे हैं, ये बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हैंडमेड पेपर का प्रोसेस इस तरह से होता है। और ये फैक्ट्री है, इसके अंदर लाइट गई हुई है इसलिए फ़ैन भी नहीं मिलेंगे, वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, भैया बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाने के बाद में कहाँ जाता है ये पेपर। यहाँ से कुछ इस तरह का एक गट्ठी बना दी गई है, बिल्कुल इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, सारे पेपर्स यहाँ पर आ चुके हैं सिंगल सिंगल लेयर के अंदर, कॉटन के पेपर के बीच में पेपर है, फिर कॉटन का, फिर पेपर, फिर कॉटन, इस तरह से। इसके बाद में जो है ये यहाँ से आ जाता है यहाँ पर, इसके बाद में ये हाइड्रोलिक प्रेसिंग है जहाँ पर इसको प्रेस कर दिया जाता है और एक्स्ट्रा जो भी वाटर है वो यहाँ से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ड्राई होने के बाद में जो है इसको फिर बाद में इस तरह से लटका करके सुखा दिया जाता है एक एक तरीके से, जिस तरह से यहाँ पर देखिए एक मैम और एक सर काम कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से देख लीजिए आप बिल्कुल किस तरह से काम कर रही है। एक एक पेपर की जो है अलग अलग निकाल करके, और इसको पेपर को कहाँ पर निकाला जा रहा है ये वहाँ पर निकाला जा रहा है, देखिए एक एक कपड़ा इसके बीच में से निकाल दिया गया है और पेपर पेपर को अलग कर दिया गया है। यहाँ पर पेपर बिल्कुल पेपर का रूप ले चुका है और इतना अच्छा पेपर बनता है ना ये कि आपको ना फटेगा ना कुछ होगा, बिल्कुल अच्छा है और उस नॉर्मल पेपर से ज़्यादा बेटर है ये पेपर। इस तरह का देखिए इस तरह से अलग कर दिया जा रहा है, यहाँ पे कपड़ा अलग कर दिया गया है और पेपर अलग कर दिया गया है, बिल्कुल पेपर का रूप ले चुका है यहाँ पे, देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए पेपर का रूप ले चुका है, ये कपड़ा ही था जो पेपर का रूप ले चुका है, बिल्कुल ये देख लीजिए, ये अपना जो होजरी वाला था वो वाला था और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा वाइट वाला है, ये वाला देखिए वाइट वाला है, बिल्कुल इस तरह का पेपर का रूप ले चुका है। और लेने के बाद में जो है इसको लटका करके इस तरह से देखिए कितने बल्क में सूख रहे हैं यहाँ पर सारे, सब कुछ तरीके से अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पर सुखा रहे हैं। तो ये प्रोसेस था पेपर बनने का। इसके बाद में आगे मैं लेके चलता हूँ किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट होने के लिए देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है और एक्सपोर्ट का मटेरियल भी है, सारा सब कुछ यहाँ पर जो है किस तरह से काम हो रहा है देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ से पेपर बनने के बाद में जो है ये यहाँ पे आता है और किस तरह से ये अदर प्रोडक्ट का रूप लेते हैं और किस तरह से जो है इसको आगे जाके फिनिशिंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर लिफाफा भी देखने को मिल जाएगा इस तरह का, और मल्टीपर्पज़ और अलग अलग तरीके से जो है क्राफ्ट बनते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दूँ ये जो मशीन है ये कैलेंडर मशीन है जो कि इस अनकैलेंडर है, इसको जो है इस पर प्रेस करके और इसको जो है कैलेंडर कर दिया जाता है, दो सीट के बीच में रख करके जैसे अपन प्रेस करते हैं कपड़ों की उस तरह से हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखिए एक मेटल की सीट है बिल्कुल, ये इसके बीच में पेपर है, फिर मेटल की सीट है, फिर पेपर है, फिर मेटल की सीट है, फिर पेपर है, इस तरह से इसको करने के बाद में इसके मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और उसके बाद में ये प्रेस की तरह बिल्कुल फिनिशिंग पेपर की तरह हो जाता है। यहाँ पर वो वाला पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बाद में होती है उसकी कटिंग, ठीक है। और कटिंग होने के बाद में जो है इसके ये एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है और बनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रेस होने के बाद में ये जो है पेपर कुछ इस तरह का रूप ले लेता है, एक बहुत ही बढ़िया वाला। उसके बाद में यहाँ पर जो है इसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में ये जो पेपर है यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पर ये भैया सेट कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में ये कटिंग पेपर का रूप लेती है कुछ इस तरह का, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए बिल्कुल आप बोल नहीं सकते ये कपड़े वाला ही पेपर था बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में एक नॉर्मल पेपर के रूप ले चुका है ये, और ये बहुत ही हैवी और अच्छा पेपर रहता है क्योंकि इसके जो है मल्टीपर्पज़ होता है, पेंटिंग आर्टिस्ट भी इसको यूज करते हैं और बड़े बड़े कैनवास के लिए यूज होता है, उसके अलावा यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट इसके मटेरियल भी बनते हैं, तो वो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक इसका नमूना आपको देखने को मिलेगा कि हैंडमेड पेपर से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट भी बन जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद में ये एक्सपोर्ट, बाकी पेपर जो है एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर पैकिंग भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी होता है और क्राफ्ट भी बनता है। यहाँ पर एक नमूना और आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए लिफाफा बन रहा है, यहाँ पर एक लिफाफा बना हुआ है इस तरह का देखिए, तो ये जो है एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया में भी यूज होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है और कुछ पेपर जो एक्स्ट्रा रह गए उनकी देखिए कुछ इस तरह का पैकिंग कर दी गई है, तो एक्सपोर्ट होता है और बेचने के लिए मार्केट में चला जाता है ये। इस काम में जो है जगह जितनी हो उतनी कम रहती है, देखिए यहाँ पर भी जो है पेपर सुखाने के लिए लगा दिया गया है ये बिल्कुल इस तरह से, तो और बल्क में बिल्कुल 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट की यहाँ पर जो है इसकी बनाई हो जाती है इस पेपर के थ्रू में। क्राफ्ट का काम देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट का देख लीजिए, मल्टीपर्पज़ काम में आता है ये इस तरह से।